हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस विद कुलदीप में। हमने आज का टॉपिक हमने क्या लेके हैं आपके सामने, कार्य और समय। कार्य और समय, इसके जो क्वेश्चन आए हैं लगभग एलडीसी पुलिस हॉल कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। तो इसके जैसे आप लॉन्ग टर्म से करते हो तो बहुत काफी हार्ड मेथड हो जाता है। तो इसका एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक लेके आए हम आपके सामने, जिससे क्या है कि इस आपको ये कार्य जो समय के जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। ठीक है, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को आप नेक्स्ट वीडियो जैसे शॉर्ट के ट्रिक जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, इसी शॉर्ट ट्रिक पे, कार्य और समय। इसके लगभग क्वेश्चन आते हैं आपके। कार्य और समय में हम बात करें तो आपको कार्य और समय में दो बातें जानना आवश्यक होती है। यानी कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें आपको दो बातें पता होनी चाहिए। वो दो बातें कौन सी है? एक तो कुल कार्य, एक तो आपके पास आना चाहिए कुल कार्य। ठीक है, और एक दूसरा टॉपिक जो इसका क्या है, इसके दो टॉपिक आते हैं। दूसरा क्या है? एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। अब दोबारा ध्यान से देखिए, कार्य और समय के अंदर आपको दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो कुल कार्य और एक दिन का कार्य। अगर ये दोनों चीज अगर आपको मिल गई तो आप कार्य और समय से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आराम से सोल्व कर सकते हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे इसके आधार पे, फिर आगे देखते हैं। देखिए हमारा एक क्वेश्चन आता है, इसमें हम अब क्वेश्चन आपको कैसे दिया हुआ मिलेगा एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे मिलेगा? क्वेश्चन देखिए आप, किसी काम को ए कितने दिनों में करता है? ए 20 दिनों में करता है। और बी कितने दिनों में करता है? बी करता है इसको 30 दिनों में, बी करता है इसको 30 दिनों में। यानी ये इसके दिन आ गए और ये इसके दिन। ठीक है, ध्यान से दोबारा देखिए, किसी काम को एक करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। हमें पूछा क्या है? दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? यानी ए प्लस बी, ये हमें पूछा है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए दोबारा, किसी काम को, यानी काम बहुत प्रकार के होते हैं। कोई भी ए कितने दिनों में काम करता है उसी काम को 20 में, और बी करता है 30 दिनों में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके सामने। अब देखिए समय पूछा है हमें। ठीक है, अब हल में देखिए बिल्कुल आसान है, आप नीचे आ जाइए, शॉर्ट ट्रिक को ध्यान से समझिए। अब हमें करना क्या है, जैसे आपको दे रखा है ए 20 बी 30, हम ऐसे लिख लेंगे ए कितने दिनों में करता है 20 दिनों में और बी करता है 30 दिनों। ठीक है, आप इस प्रकार का चिन्ह लगा लीजिए। हम यहां लिख देंगे कुल कार्य। ठीक है, अब यहां हमारे पास क्या है, अब कुल कार्य के अंदर देखो क्या करना है, ध्यान से समझना है। ए 20 बी 30, इन दोनों का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम देखो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आता है 60। जो एलसीएम होगा वही इसका कुल कार्य क्या होगा, कुल कार्य। तो यहाँ 20 और 30 का क्या आ गया आपके पास, एलसीएम 60। तो ये क्या आ गया आपके पास, कुल कार्य आ गया। अब आगे देखिए क्या करेंगे, अब उल्टे चिन्ह लगा लो इस प्रकार। हमें क्या चाहिए था, मैंने स्टार्ट में बोला था कि इसमें आपके पास दो चीज होनी चाहिए। पहला टॉपिक एक तो होना चाहिए कुल कार्य, और दूसरा आपके पास होना चाहिए एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, बी कितने दिनों में काम करता है 20 दिनों में, और कुल काम कितना हमारा 60। तो हम लिखेंगे ए का एक दिन का कार्य, का कार्य क्या हो जाएगा, 60 बटे में 20। 60 बटे में 20 क्या आ गया, काट दो
बी दिए 60 यानी 3। तो ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। दूसरा देखिए, बी कितने दिनों में करता था, 30 दिनों में, और कुल कार्य कितना है, 60 है। तो उसी प्रकार हम निकाल लेंगे बी का एक दिन का कार्य क्या आ जाएगा, 60 बटे में 30 कितना आ जाएगा, 2। अब आ गया ए का एक दिन का कार्य 3 और बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 2। अब आगे हमें जो चीज पूछी है वो देखिए, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, समय पूछा है, तो हम लिखेंगे दोनों का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य यानी ए प्लस बी। अब ये चीज ध्यान से समझो, दोनों का एक दिन का कार्य, हमें एक दिन का कार्य निकालना था, तो दोनों का एक दिन का कार्य क्या हो गया, ए एक दिन का कार्य कितना है, 3, और बी का एक दिन का कार्य कितना है, 2। तो दोनों का कितना हो गया, 3 + 2 यानी 5। दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। हमें अब समय निकालना है कि दोनों मिलकर कितने समय में उस काम को कर देंगे। समय निकालने के लिए सूत्र है कुल कार्य बटे में एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। अब ध्यान से देखिए, ये आपको फॉर्मूला हर जगह काम आएगा, समय निकालने के लिए कुल कार्य बटे में एक दिन का कार्य। तभी मैंने यहां बोला था दो टॉपिक आपको चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए, दोनों का एक दिन का कार्य तो आ गया 5 और कुल कार्य भी आपके पास आ गया 60। हम कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे, कुल कार्य कितना है आपके पास 60 और एक दिन का कार्य कितना है 5, काट दो 12 × 5 = 60, ठीक है। ये आपका उत्तर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। कैसे हुआ ध्यान से देखिए कि हमने क्या करना है, सबसे पहले कुल कार्य निकाल लेना है, फिर दोनों का एक दिन का कार्य, फिर दोनों का एक दिन का कार्य कितना आता है हमारे पास 5। अब समय निकालने के लिए अगर क्वेश्चन के अंदर किसका निकालना है उसका एक दिन का कार्य आना चाहिए। अगर हमें सिर्फ यहाँ पे ये पूछा कि ए उस काम को अकेला कितने दिनों में करता, तो वो सिर्फ यहाँ एक आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन का कार्य इसका मतलब है जो आपको पूछा है, यहाँ हमने इसने क्या पूछा है ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर उस काम को कितना करते हैं, तो हमने यहाँ क्या लिखा, दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया 5। अगर यहाँ हमें पूछ लेता कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता, तो हम क्या करते, ए का एक दिन का जो कार्य है 3 उससे ही डिवाइड करते, क्योंकि सिर्फ हमें जिसका निकालना होता है उसी का डिवाइड करना, बट यहाँ हमें क्या करना था, दोनों का निकालना था। तो क्या आ गया, दोनों का आएगा यहाँ पे, दोनों का एक दिन का कार्य हमने पहले निकाला था 5, तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना आ गया 5। तो दोनों उस काम को मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिनों में करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कई बार क्या है कि आपको तीन दे देता है, तीन बातें दे देता है। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें दे दिया ए किसी काम को करता है 60 दिनों में और बी किसी काम उसी काम को, ठीक है, 30 दिनों में और सी उसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ए 60 दिनों में, बी 30 दिनों में, सी 20 दिनों में, ठीक है। तीनों मिलकर यहां फिर पूछा है, तीनों मिलकर उस काम को या उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, अब ध्यान से देखिए हमें क्या पूछा है, इसने ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का पूछा है। हल करते हैं सॉल्यूशन, अब ध्यान से देखिए, हमें ए बी सी जैसे हमने शॉर्ट ट्रिक में बताया वैसे लिख लो आप, ए का कितना 60, बी का कितना 30 और सी का कितना 20, ठीक है। एलसीएम यहां हम तीनों का लेंगे,
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक डब्बा बना लीजिए और यहाँ आ गया आपका कुल कार्य। कुल कार्य किसके बराबर होता है, मैंने पहले भी बताया था, एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम क्या आता है, अब हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे 60 30 20 का, तो एलसीएम इनका भी क्या आता है 60 आता है, तो कुल कार्य कितना आ गया 60 आ गया। अब वापिस आप तीनों का बना लीजिए, मैंने वही बोला था हमें दो चीज चाहिए होती है, एक तो क्या चाहिए आपको पता है पहले, एक तो कुल कार्य चाहिए और एक एक दिन का कार्य, ठीक है। हमने कुल कार्य तो निकाल लिया सर, अब हमारे पास जो बाकी रहा है वो है एक दिन का कार्य। अब एक दिन का कार्य यहां सबसे पहले हम निकालते हैं, एक का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, ठीक है, एक का एक दिन का कार्य क्या आएगा। अब ध्यान से देखिए कुल कार्य कितना है 60 है, तो यहां पे 60 बटे में इसका कितना है 60 ही है, तो 60 से 60 कट गया, एक का एक दिन का कार्य कितना आ गया एक आ गया, कितना आ गया एक आ गया। बी का निकालिए, बी का एक दिन का कार्य कितना आएगा 60 बटे में, एक दिन में ये कितना काम कर रहा है 30, तो एक दिन का कार्य इसका आ गया 2। और सी का निकालिए, उसी प्रकार सी का काम कितना है 20 दिनों में करता है, कुल कार्य कितना है 60, तो 20 से इसको डिवाइड कर दो, इसका आ गया 3। अब ये चीज आपको ध्यान से देखनी थी, इसका एक दिन का एक कार्य आ गया 1, इसका 2, इसका 3, हमें अब तीनों का निकालना है। देखिए तीनों का एक दिन का कार्य, तीनों का एक दिन का कार्य, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया टोटल 5 आ गया, ठीक है। इसमें भी देखो 3 और 3 6 सॉरी 6 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, क्या निकालना है समय निकालना है, तो समय भी कैसे निकालोगे आप, समय का सूत्र आपको मैंने बताया था, कुल कार्य बटे में क्या आ जाएगा, हमें तीनों का निकालना है ए बी सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी जिनका निकालना उनका एक दिन का कार्य, ए बी सी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य आ जाएगा, ठीक है। अब कुल कार्य बटे में एक दिन का कार्य, यानी अब जिसका निकालना उसका एक दिन का कार्य, हमें तीनों का निकालना है, तो तीनों का एक दिन का कार्य कितना है 6 है, तो समय निकालने के लिए कुल कार्य कितना आपके पास 60 बटे में 6, तीनों का एक दिन का कार्य 6 से काट दो कितना आ गया 10। अब ये तीनों मिलकर, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, मिलकर उस काम को 10 दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे 10 दिन में। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के अनेक प्रकार के क्वेश्चन अनेक आते हैं, तो इसको शॉर्ट ट्रिक में इससे सिंपल, यानी कितना सिंपल है, इससे सिंपल हो जाता है बिल्कुल इक्वेशन, तो ऐसे आप बहुत से प्रकार के क्वेश्चन है वो सोल्व करके देख सकते हो। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसको कमेंट में हमें बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब सुनिए ध्यान से, हमारे पास इस टाइप का जो क्वेश्चन हो गया। अब कई बार क्या पूछता है, कार्य समय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो वो भिन्नों में होता है, भिन्न आती है उसकी, यानी जैसे एक तो आ गया कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, और दूसरा आ गया कि बी उस काम को 15/2 दिनों में करता है, यानी भिन्न आ गया 7.5 दिन आ गए, उस भिन्नों वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे उसके बाद संबंधित हम क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देखिए अगर आता है तो इसका टॉपिक क्या, टॉपिक बनाइए पहले, तो टॉपिक किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कई बार प्रश्न दिनों में आता है, दिनों में हो तो। अब देखिए कई बार क्या है कि बोर्ड वाला दिनों में क्वेश्चन दे देता है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। सबसे पहले देखिए हमें दो चीज चाहिए होती है, कौन कौन सी, एक तो कुल कार्य, और कुल कार्य कैसे मिलेगा हमें, चाहे वो भिन्न हो चाहे वो
अगर ऐसी दे रखा तो हमें उनका एलसीएम लेना पड़ता है, और फिर अगर एलसीएम अगर आ जाता है आपका कुल कार्य अगर आ जाता है तो हम एक दिन का कार्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें वही एक कुल कार्य निकालने के लिए भिन्नों का हमें एलसीएम निकालना है, और भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालोगे, तो भिन्नों का एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा वो आपको मैं बता रहा हूं। भिन्नों का एलसीएम अब ध्यान से सुनना है, देखिए इसका एक फॉर्मूला है, आपको बराबर लगा दिया मैंने यहां, तो जो दे रखा है आपको भिन्न, तो यहां यहां जाएगा भिन्नों के अंश का एलसीएम, ध्यान से देखना, भिन्नों के अंश का एलसीएम हो गया, और भिन्नों के हर का HCF क्या होता है कि आपको विनिष्ट यानी कॉमन लेना पड़ता हो, विनिष्ट लेना पड़ता हो, विनिष्ट होता है HCF, LCM होता है एक साथ पूरी संख्याओं का मल्टीप्लाई। अब जैसे कोई एग्जांपल लेकर समझाते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। एक तो दे दिया यहाँ पे आपको 5, यानी कैसे, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, और बी किसी काम को 25/2, यहां हम ले सकते हैं 25/2 दिनों में करता, ठीक है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 5 दिनों में, बी किसी काम को उसी काम को क्या करता है 25/2 दिनों में करता है, तो इसने आगे हमें पूछा क्या है, ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मैंने बात यही बताया था कि आपको कुल कार्य निकालना है, कुल कार्य निकालने के लिए आपको एलसीएम चाहिएगा, तो एलसीएम निकालिए, कैसे निकालेंगे, कुल कार्य यहां लिख दे रहा हूं मैं, कुल कार्य यानी आपको एलसीएम चाहिएगा, कुल कार्य निकालने के लिए हमने यह सूत्र का प्रयोग करना है, भिन्नों के अंश का एलसीएम। तो हमें क्या करना है, देखिए अब भिन्न भिन्न लिख देता हूं मैं एक बार, कोमा, इसके बटे में 1 होता है, दूसरा क्या आपके पास 25/2, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, अब देखिए भिन्नों का एलसीएम यानी अंश जो होता है उनका एलसीएम क्या होगा, 25 और 5 क्या 25 होएगा, तो आ जाएगा 25। अब देखिए एचसीएफ चाहिए, अब नीचे 1 तो हमारे पास 1 है और इधर है 2, इनमें कॉमन क्या आ रहा है 1, और इसमें भी 1 है, कॉमन वही एचसीएफ होता है एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ क्या आ गया 1, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25/1 है, 1 का कोई महत्व नहीं होता, नीचे डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, तो आपके पास जो एलसीएम है वो क्या आ गया 25 आ गया, ये आपके पास क्या आ गया कुल कार्य आ गया, ठीक है। और कुल कार्य आ जाता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। अब कुल कार्य आ गया, अब ए का निकालेंगे, ए का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे हम, वही फॉर्मूला है हमारे पास 25/2, अब ये काम कितने दिनों में कर रहा है 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब दूसरा किससे डिवाइड करेंगे, देखो बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य बहुत आसान हो जाएगा, देखना कुल कार्य कितना है 25, अब ये काम कितने में कर रहा है 25/2। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो तीसरी संख्या है डिवाइड में वो हमेशा गुणा में चली जाती है, यहां से यहां आ जाएगी मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ऊपर चली 25 से 25 कैंसिल, आपका बी का एक दिन का काम कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर ये तो हमने शॉर्ट निकाल के देखा था, अब ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा, दोनों मिलकर ए प्लस बी, अब दोनों का आराम से निकाल सकते हो 5+2, ठीक है, एक दिन का काम कितना आ गया इनका 7 आ गया, एक दिन का काम कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है, ये 5 दिन में कर रहा है, ये 2 दिन में कर रहा है, इनका एक दिन का कार्य कितना आ गया 7, तो यहां हमें एक दिन का कार्य निकाल लिया, ठीक है, ऐसे निकालना। अब एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया वो दोबारा बता देते हैं, भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो भिन्नों के अंश होते हैं यानी अंश कौन सी संख्या होती है, जैसे हमारे पास मान लो 25/2 है, तो अंश ये होता है ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है,
यानी ठीक है ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है। तो भिन्नो के अंश का एलसीएम और भिन्नो के हर का एचसीएम। एचसीएम कैसे निकालते हैं, अगर दो संख्याएं हो तो उनका जो गुणनखंड होता है उनमें से उभयनिष्ठ संख्या ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी काम को, क्वेश्चन देखिए, ए आपको जैसे क्वेश्चन में है, ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, ए किसी काम को 5 दिनों में करता है और बी किसी काम को क्या करता है 7.5, यानी इसको आप 15/2 दे रखा है, 15/2 दिनों में करता है। ठीक है, अब कई बार क्या करता है इस प्रकार भी दे देता है, ये भी दे देता है और 15/2 भी, यहाँ ठीक है। अब यहाँ आपको करना क्या है, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, हमें क्या पूछा है, ए प्लस बी यानी दोनों का एक दिन का कार्य ज्ञात करो। ठीक है, दोनों का एक दिन का कार्य ज्ञात करो, हमें एक दिन का निकालना, और एक दिन का निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, कुल कार्य जिसको हम बोलते हैं एलसीएम। अब निकालिए, हम जैसे लिखेंगे जो पहले लिखते थे शॉर्ट, हमारा सरल तरीका है ये, सबसे आसान है। ए का आ गया 5, बी को इसको सरल कर लेते हैं, 7.5 को कैसे लिखेंगे, यहां हर रफ काम करते हैं, 7 × 14 और 1 × 15 यानी 2 + 1/2 यानी 7 × 14 और 1 / 15/2 आ गया। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना है, ऐसे ही ट्रिक करना है आपको, यहां आ जाएगा कुल कार्य, रफ काम क्या आ गया आप देखिए। अब इन दोनों को कैसे करते हैं, एलसीएम निकालना है हमें यानी कुल कार्य निकालना है, कैसे निकालोगे, मैंने बताया था आंसुओं के एलसीएम, आंसुओं का एलसीएम क्या आ गया, अब ध्यान से देखें दोनों का एलसीएम क्या है, 5 और 15 का, 5 और 15 का 15 आ गया। ठीक है, अब नीचे वाले जो संख्या है इसके बटे में 1 मानकर चलते हैं तो इनका एचसीएफ आ गया 1। ठीक है, तो हमारे पास कुल कार्य यानी हम 1 को कैंसिल कर सकते हैं तो 15 आ गया। अब एक दिन का कार्य कैसे निकालोगे, एक का एक दिन का कार्य यानी 15/2 ये 1 आ रहा है, 15/2 काम कितना कर रहा है ये, एक का काम कितना है 5, तो 5 से काट दो, इसका एक दिन का काम कितना आ गया, जिस काम को जो ये 5 दिनों करता था तो कुल कार्य बटे में 5 यानी एक दिन का काम कितना आ गया इसका 3, और बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, ये 15/2 में कर रहा है तो कुल काम कितना आपके पास 15 और 15/2, ये 2 मैंने हमें बताया था आपको गुणा में चला जाएगा, 15 से 15 कैंसिल, इसका आ जाएगा 2। अब हमें क्या निकालना था, ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य क्या आ गया, अब एक दिन का कार्य इसका 3 है और इसका 2 है, तो हो गया 5, ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, समझ में नहीं आया हमें ये कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ध्यान से, कई बार क्वेश्चन इससे भी अलग दे देता है, ये चौथा है और हमारा चौथा ही तरीका रहेगा, इस प्रकार के टाइप हर टाइप के क्वेश्चन बता देंगे आपको, अब निकाल के देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ड क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, अभी हमने तरीका ही बताए हैं। अगला जो चौथा आपका मेथड रहेगा कि किस प्रकार क्वेश्चन देता है, कि डबल में दे देता है क्वेश्चन, आते हैं इस वाले डबल में कैसे आते हैं देखिए, क्वेश्चन लेते हैं, ये क्या कह रहा है कि ए प्लस बी, ध्यान से सुनिए, ए और बी किसी काम को ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं, और बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं, और सी प्लस ए मिलकर उस काम को करते हैं 20 दिनों में। हमें क्या पूछा है कि तीनों का, यानी हमें क्या पूछा है,
ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें यहां डबल दे दिया तो वैसे घबराने की बात नहीं है। ए और बी दोनों मिलकर उस किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उस किसी काम को 15 में, सी और ए यानी 20 दिन में। दो दो के दे रखे हैं तो हम कैसे करें, ए का कैसे निकालेंगे, तो ये यहां से देखिए आप, हम जैसे लिखना था वैसे लिखेंगे हमारी ट्रिक के हिसाब से। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 12 में, बी प्लस सी कितने में कर रहा है, 15 में, और सी प्लस ए कितने में कर रहा है, 20 में। हमें तीनों का एलसीएम वैसे ही लिखना है, कुल काम या कुल कार्य, ठीक है, निकालो। पहले हमें इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आ रहा है ध्यान से देखिए आप, 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है। एलसीएम आ गया इसका 60। अब देखिए ध्यान से, कुल काम आ गया आपके पास 60, एलसीएम ले लिया हमने, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए हमें तीनों का एक दिन का कार्य निकालना है, हमें क्या करना है, एक दिन का कार्य, ठीक है, एक दिन का कार्य। यहां ए प्लस बी का आएगा, साथ में आएंगे दोनों, क्योंकि यहां अगर आपको ए प्लस बी दे रखा है तो वहां भी बी प्लस सी, सी प्लस ए यानी डबल के आएंगे। अब ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया, ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो कुल कार्य आपके पास आ गया 60 बटे में 20, यानी इन दोनों का एक दिन का काम आ गया 3, ठीक है, सॉरी 12 था 20 नहीं, 12 पांच 60, इन दोनों का काम आ गया एक दिन का 5। अब दूसरा देखिए, अब यहां आ गया बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ रहा है, 60 कितने में कर रहे हैं दोनों मिलकर, 15 दिनों में, तो एक दिन का काम आ गया इनका 4। अब सी प्लस ए का निकालना है, सी प्लस ए का, ठीक है, सी प्लस ए यानी 60 बटे में इसका 20 है, तो इसका आ गया एक दिन का काम आ गया 3, ठीक है। ए और बी का एक दिन का काम आ गया 5, बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 4, सी प्लस ए का एक दिन का काम आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब इन तीनों का कुल काम कितना आ गया, 5 या 9 इन 12, ठीक है, 12 आ गया। तो वैसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 12 का कर देंगे, नहीं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना है आपको। ए प्लस बी, नेक्स्ट क्या है, बी प्लस सी, उससे नेक्स्ट क्या है, सी प्लस ए, बराबर इन तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 5, 4 प्लस 3। देखते जाइए, अब यहां ए कितनी बार आया है, एक यहां है, एक ये रहा, दो बार आया, दो बी बार आए, दो सी बार आए, तो सभी कितने कितने बार आए हैं, दो बार। हम इसको ऐसे लिख देंगे, दो गुणा में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल में कितने हो गए, 5 और 4 9, 9 3 12। हमें इन तीनों का एक दिन का काम निकालना है। अब ये है इसके साथ गुणा में, पक्षांतरण करेंगे तो कहां चला जाएगा, भाग में, तो यहां आपके पास नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 12 बटे में 2, 12 बटे में 2, यानी ये 2 कहां आ गया, भाग में, काट दो इसको, कितने आ गए, 6। अब तीनों का एक दिन का काम कितना आ गया, 6 आ गया। हमें क्या निकालना था, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, समय निकालना था, तो समय निकालो तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी का क्या आ जाएगा, कुल कार्य, कुल कार्य कितना आपके पास, 60, 60 बटे में, और तीनों मिलकर उस काम को एक दिन का काम कितना है, तीनों का एक दिन का काम है, तीनों का ये एक दिन का काम, मैंने ये बोला था फॉर्मूले में, यानी दोबारा लिख लेते हैं, कुल कार्य बटे में एक दिन का काम, एक दिन का काम या कार्य, ठीक है। तीनों का एक दिन का कार्य कितना है, 6, कुल कार्य कितना है, 60 बटे में 6, कितने दिन में करेंगे, 10, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिनों में करेंगे। तो कई बार इस प्रकार का आपके क्वेश्चन आते हैं, ये चारों मेथड आपको करवा दिए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करना, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या ला रहे हैं कि इनसे संबंधित जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, अभी आपको मेथड करवाए हैं, तो आप क्वेश्चन इसके निकाल कर देख लेना, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स। और आपको ये हमारा जो चैनल है पसंद आया, इसके वीडियो नेक्स्ट में हम ऐसे ऐसे मैथ के शॉर्ट ट्रिक और आसान जीके के लाते रहेंगे,
तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक तो बनता ही है।